नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 6 मई 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस, बात हो रही है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ की, तो ये कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मिडवाइफ्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मुख्य रूप से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जब महिलाओं की डिलीवरी होती है तो वहाँ पे मिडवाइफ या जिन्हें हम लोग दाई कहते हैं उनका काफ़ी अहम योगदान होता है। बच्चे के जन्म के बाद जो उसको कई सारे टीके लगते हैं उनमें भी काफ़ी योगदान होता है इन मिडवाइफ्स का। तो इसीलिए इनके कामों का सम्मान करने के लिए हम लोग 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस के रूप में मनाते हैं। 1991 में पहली बार ये मनाया गया था। और ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष जो स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को, उसका थीम क्या है? तो उसका थीम है सपोर्ट मिडवाइफ एंड नर्सेज। और WHO के द्वारा इस वर्ष यानी कि 2020 को मिडवाइफ और नर्सेज का ईयर घोषित किया गया है। तो थीम भी आइए देख लेते हैं। थीम इस बार की है मिडवाइफ्स विद वुमेन सेलिब्रेट डिमॉन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट आवर टाइम इज नाउ। तो ये इस बार की थीम है। विश्व अस्थमा दिवस, बात हो रही है वर्ल्ड अस्थमा डे की, तो यह मई माह के किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ये मई माह के पहले मंगलवार यानी कि फर्स्ट ट्यूजडे को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो इस बार पहला मंगलवार रहा 5 मई को। तो ध्यान रखिएगा 5 मई को इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। अस्थमा एक प्रकार की डिसीज होती है जो कि हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। तो अस्थमा डिसीज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और जो इससे पीड़ित व्यक्ति हैं उनके देखभाल में सुधार के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। 1998 में पहली बार ये मनाया गया था। और इस बार की थीम है इनफ अस्थमा डेथ, यानी कि अस्थमा से जो डेथ है वह अब बहुत हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने IBRD में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया? तो यहां पर नियुक्ति की गई है अशोक माइकल पिंटो की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं IBRD की। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और ये विश्व बैंक समूह का हिस्सा है। जैसे आप लोगों ने विश्व बैंक का नाम सुना होगा, तो इस विश्व बैंक में जब हम IBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को एक साथ लाते हैं तो इसी को हम लोग संयुक्त रूप से विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। विश्व बैंक की बात करते हैं या फिर IBRD की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 1944 को हुई थी। मुख्यालय है Washington DC में और इसके अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के? डेविड मेल्पस। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है मनीषा सिंह का नाम। इन्हें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा OECD में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। बात करते हैं शोभना नरसिम्हन की। तो ये जो अमेरिका का अकादमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज है उसकी मानद सदस्य बनी है। और एक नाम आपको नीचे दिख रहा होगा बेनजिया रूपानी का। तो इनका नाम क्यों आया? क्योंकि नासा का जो मंगल हेलीकॉप्टर है उसका नाम इंजेन्यूटी बेनजिया रूपानी के द्वारा सजेस्ट किया गया है। तो इन सभी लोगों के नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। COVID-19 पर आधारित एक मल्टीमीडिया गाइड जिसका नाम है कोविड कथा, तो इसका विमोचन किसने किया? तो विमोचन किया है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो असम के अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा यह जो कोविड कथा नाम की बुक है इसका निर्माण किया गया है। और इन्होंने इस बुक को जो भी अभी तक COVID-19 के ऊपर शोध हुए या जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है COVID-19 पर उसके आधार पर इस बुक को लिखा गया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करते हैं तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामलों के मंत्री हैं। अनामिका से एक नाम आपको और ध्यान आना चाहिए जो कि है अनामिका रॉय का। तो ये इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की नई MD और CEO बनी है। ध्यान रखिएगा अनामिका रॉय इनका नाम है, अनामिका सिंह इनका नाम नहीं है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने संदीप
कुमारी को 4 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया, वह किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डिस्कस थ्रो की एक प्लेयर है जिसे हम लोग चक्का फेंक के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल बात है जून 2018 की। उस समय गुवाहाटी में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप का आयोजन हुआ जहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो उसके बाद में इनके सैंपल को कलेक्ट किया गया और सैंपल का टेस्ट अभी वाडा के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। और इस सैंपल टेस्ट में इनके जो परिणाम है वह सकारात्मक आए, यानी कि इन्होंने प्रतिबंधित दवाओं का यूज़ इसमें किया था। वाडा के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल में, जो कि है कनाडा का एक शहर। किस केंद्रीय मंत्री ने सरकारी ई मार्केट प्लेस, जिसे हम लोग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नाम से जानते हैं, इस पर दी सरस कलेक्शन लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं इस द सरस कलेक्शन की। तो जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो SHG होते हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिन्हें हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं, तो इनके द्वारा दैनिक उपयोग के लिए जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं, तो इन सभी उत्पादों का पंजीकरण किया जाएगा इस द सरस कलेक्शन प्लेटफॉर्म पर। और पहले चरण में 913 SHG विक्रेताओं का पंजीकरण यहाँ पर किया जा चुका है। और नरेंद्र सिंह तोमर ये कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। वर्ष 2020 के लिए किस भारतीय पत्रकार को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा 3 लोगों को। एक तो है मुख्तार खान, दूसरे हैं चन्नी आनंद और तीसरे हैं दार यासीन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बात करते हैं कि इन 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया क्यों जाएगा। तो जब पिछले साल आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था जम्मू कश्मीर में, तो उस समय इन्होंने काफ़ी अच्छे से वहां पर कवरेज किया था और इसीलिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार के अंतर्गत फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कृत किया जाएगा। और ये सभी पत्रकार हैं एसोसिएटेड प्रेस के। किसके? एसोसिएटेड प्रेस के पुरस्कार है। बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार की। तो ये जो पुलित्जर पुरस्कार है, यह जोजेप पुलित्जर के नाम पर 1917 में स्थापित किया गया था और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा 21 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर आप इन 3 विजेताओं को देख सकते हैं। ब्राज़ील में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ब्राज़ील में भारत के नए राजदूत बन गए हैं, इनका नाम है सुरेश के रेड्डी जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके अलावा बहुत सारे अन्य राजदूत भी बने हैं, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि दीपक मित्तल कतर में बन गए हैं, पीयूष श्रीवास्तव बहरीन में बने हैं, नम्रता एस कुमार ये स्लोवेनिया में बने हैं, जयदीप मजूमदार ये ऑस्ट्रिया के बने हैं, इसके अलावा ब्रे मोहन क्वात्रा ये आपके बने हैं नेपाल के, गोपाल बागले श्रीलंका के बने हैं, जावेद अशरफ फ्रांस के बने हैं, अजय बिसारिया कनाडा के बने हैं, अभिषेक सिंह वेनेजुएला के बने हैं। तो कई सारे राजदूत यहाँ पर नए बने हैं और इन सब के नाम आप अलग से नोट कर लिया करें। जैसे जो महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं इन्हें कहीं अलग से नोट कर लें, जो ये राजदूत बनते हैं इन्हें कहीं अलग से नोट कर लिया करें, और जो नए पोर्टल आते हैं उनको भी कहीं अलग से नोट कर लिया करें। तो एक बार जब आप बेहतर नोट बना लेंगे तो फिर किसी परीक्षा में जाने से पहले अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो फिर आपका काम जो है वह आसान हो जाएगा। बात करते हैं ब्राज़ील की। तो राजधानी यहाँ की ब्राजीलिया है, मुद्रा यहाँ की है रियाल, और जेयर बोलसोनारो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो कि इस वर्ष के गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि भी थे। तो ये आप देख सकते हैं ब्राज़ील देश की लोकेशन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का यह एक देश है। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार वीडियो आधारित KYC सत्यापन मंच लॉन्च किया? तो ये मंच लॉन्च किया है अमेयो ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दरअसल बात है जनवरी 2020 की। उस समय RBI के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि जो KYC वेरिफिकेशन होता है, यानी कि नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन होता है, उसमें अब वीडियो के माध्यम से भी उसको किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अब ग्राहकों को ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, उस कंपनी का जो पोर्टल होगा उसके माध्यम से उनका वेरिफिकेशन हो सकता है। तो कई बार आप देखते होंगे कि ऑनलाइन खाते भी ओपन किए जाते हैं। तो ये जो अमेयो कंपनी है, इसने एक KYC वेरिफिकेशन मंच लॉन्च किया है, और इससे इन्होंने कहा है कि जो खर्चा अभी तक आता था कि जैसे कोई ब्रांच से जाए किसी के घर तक,
तो जो वहाँ पर आने जाने का खर्चा है या जो अन्य खर्चे हैं उसमें 90% की कटौती होगी। तो ये मुख्य रूप से कारोबारियों के लिए शुरुआत की गई है एमओयू के द्वारा। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने किस देश के खिलाड़ी यूसुफ होसम को मैच फिक्सिंग के लिए आजीवन प्रतिबंधित कर दिया है? ध्यान रखिएगा, आजीवन ये प्रतिबंधित हो गए, यानी कि इनका कैरियर ही समाप्त हो गया। तो ये है मिस्र, यानी कि इजिप्ट के खिलाड़ी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इनके खिलाफ जब जांच हुई तो ये पता चला कि 2015 से 2019 के बीच में कई मैचों में इन्होंने फिक्सिंग की है। तो काफ़ी सारे आरोप इनके ऊपर लगे और उन आरोपों को सही पाए जाने के बाद में इन्हें आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा। तो ये मिस्र के टेनिस खिलाड़ी हैं। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने किस नाम से एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केटप्लेस के लॉन्च की घोषणा की? तो इस मार्केटप्लेस का नाम होगा भारत मार्केट। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये जो मार्केटप्लेस होगा इस पे मुख्य रूप से जो भी हमारे खुदरा विक्रेता हैं उनको जोड़ा जाएगा। और इन्होंने टारगेट ये रखा है कि जो भी हमारे खुदरा विक्रेता हैं उनमें से 95% को हम लोग इस भारत मार्केट पे जोड़ेंगे। और ये जो भारत मार्केट नाम का राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो ये हैं पीयूष गोयल, जो कि रेल मंत्री भी हैं। अमेरिका की सिल्वर लेक कंपनी किस टेलीकॉम कंपनी में 5656 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो ये कंपनी करेगी निवेश रिलायंस जियो में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फेसबुक है उसके द्वारा रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी गई, जिसकी वैल्यू 43,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं। मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मिड डे मील यानी कि ये स्कूलों में दिया जाता है। और आपको पता होगा कि इस समय लॉकडाउन के कारण सारे स्कूल बंद हैं, तो सरकार के द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि जो भी बच्चे पंजीकृत हैं उनको मिड डे मील का राशन स्कूल के द्वारा प्रोवाइड कराया जाए। इससे पहले मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा CM COVID-19 योद्धा कल्याण योजना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जीवन अमृत योजना जिसमें त्रिकुटु चूर्ण बांटा जाएगा, और मिशन जीवन शक्ति जिसके अंतर्गत महिलाएं अगर बनाती हैं मास्क तो उन्हें 11 रुपये दिए जाएंगे। और अभी उमरिया की पुलिस के द्वारा वृद्धजनों की सहायता के लिए संकल्प योजना की भी शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको भोपाल में मिलेगी। यहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में लालजी टंडन और CM नए बने हैं शिवराज सिंह चौहान। फिना ने 2021 फुकुओका विश्व चैंपियनशिप को स्थगित किया, यह किस खेल से संबंधित है? तो यह जो विश्व चैंपियनशिप है यह संबंधित है तैराकी से। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल इस पूरे खेल का नाम है फुकुओका एक्वाटिक्स विश्व चैंपियनशिप। तो जापान के फुकुओका में 2021 में इसका आयोजन किया जाना था 16 जुलाई से 20 अगस्त तक। और आपको पता है कि 2021 में अब हमारा ओलंपिक खेल होगा, कब से? 24 जुलाई से 9 अगस्त तक। तो इसीलिए अब इसे मई 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम है उसे भी इसी के कारण स्थगित किया गया है। आयोजन कहां पर होगा कॉमनवेल्थ यूथ गेम का? तो उसका आयोजन किया जाना है पोर्ट स्पेन में, जो कि ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की राजधानी है। तो बात करते हैं फिना की, तो इसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन। स्थापना इसकी 29 जुलाई 1908 को हुई थी। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लोजेन में। गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा जिनेथ बेदोया लीमा को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बात करते हैं सबसे पहले इस पुरस्कार की। तो यूनेस्को के द्वारा 1997 में कोलंबिया के एक पत्रकार थे जिनका नाम था गिलर्मो इस्जा। तो इनकी डेथ हो गई थी, यानी कि इनकी हत्या कर दी गई थी 1986 में। तो इन्हीं की स्मृति में यूनेस्को के द्वारा इस पुरस्कार का गठन किया गया था। और ये पुरस्कार मुख्य रूप से उन पत्रकारों को दिया जाता है जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और उसके प्रचार में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया होता है। तो ये पुरस्कार मिलेगा जिनेथ बेदोया को। और ध्यान रखिएगा, पुरस्कार की घोषणा यूनेस्को के द्वारा की जाती है, लेकिन जो भी यहाँ पर फंडिंग होती है वह कैनो फाउंडेशन
और फिनलैंड की हेलसिंगिंग सेनोमेंट फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। ये है फिनलैंड की हेलसिंगिंग सेनोमेंट फाउंडेशन, ये फिनलैंड की है, तो इन लोगों के द्वारा इसकी फंडिंग की जाती है। ध्यान रखिएगा जिनोद बेदोया को ये पुरस्कार इस वर्ष दिया जाएगा। आखिरी प्रश्न है, आरबीआई ने किस सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया? तो आरबीआई ने यहाँ पर लाइसेंस रद्द कर दिया है सीकेपी सहकारी बैंक लिमिटेड का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जो हमारे सहकारी बैंक होते हैं उनका संचालन आरबीआई के द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत किया जाता है। तो इसके कुछ जो नियम हैं उनका उल्लंघन किया गया सीकेपी सहकारी बैंक के द्वारा, और कुल मिलाकर के 6 नियमों का इन्होंने उल्लंघन किया। तो इसी के कारण इनका जो लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। सीकेपी सहकारी बैंक के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह मुंबई आधारित एक कोऑपरेटिव बैंक है, और इसके जनरल मैनेजर कौन है? तो मुरेश्वर धाई मोदकर, ये इसके जनरल मैनेजर हैं। कल मैंने आपसे पूछा था किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, और इसके अंतर्गत 120 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, किस देश द्वारा आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए आर्कटिक एम उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।